तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे आपको कि ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है और इसके बेनिफिट हैं आपके लिए या नहीं है, और इसको ग्रैंड विटारा में अपना कैसे ऑन करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लें तो इस समय हमारी गाड़ी स्टार्ट है, तो अब हम जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी साइन ऐसा नहीं बना रहा जो ट्रैक्शन कंट्रोल का दिखाए। अब ट्रैक्शन कंट्रोल के मोस्टली कारों में इस तरफ होते हैं, ठीक है, हमारे में इस तरफ ना दे करके कंपनी ने इस तरफ दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे ऑफ का साइन दे रखा है। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये उस समय ऑफ है कि ऑन है, ठीक है, तो इसके लिए पहले एक बार गाड़ी को ऑफ करते हैं। ये हमने कर दिया ऑफ, अब इसको करते हैं स्टार्ट। ये देखो इस समय यहाँ पे एक साइन आया था ट्रैक्शन कंट्रोल का और वो तुरंत ही गायब हो गया था। दोबारा दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। ये देखो आया था, एक ऊपर आया था ऑन का और नीचे आया था ऑफ का। तो दरअसल क्या होता है, अगर हमारी गाड़ी इस समय कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखा रही है, डेट मीन्स वो ऑलरेडी एक्टिवेट है, ठीक है। और इसको अगर हमें ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम यहाँ प्रेस करेंगे। ये देखो अब यहाँ प्रेस करते हैं, यहाँ देखिएगा ये हमने इसको प्रेस किया। ये देखो अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ आ गया। ये देखो डैट मीन्स कि अब जो हमारी गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑफ हो चुका है। अब इसका बेनिफिट, अगर इसको हमें हटाना है तो हम फिर इसको प्रेस करके रखेंगे और ये देखो ये हट गया। और एक बारी प्रेस करेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना होता है थोड़ा सा, तो ऑफ हो जाएगा। और इसको सिंगल वाली प्रेस करोगे आप तो ये हट जाएगा। अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है इस समय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है, क्या काम करता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या है, जैसे कि आप मान लो अभी हमारी गाड़ी स्टेबल खड़ी है, अब हम जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, हमने वाला क्लच दबाया, गियर डाला, रेस दी और एक्सेलरेट किया जब हमने, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि गाड़ी है ना आवाज़ करती है की, तो वो दरअसल क्या होता है, हमारी गाड़ी की स्पीड होती है कम और हमारे टायर की जो RPM होते हैं वो होते हैं ज़्यादा, उस समय ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से गाड़ी जो है ये आवाज़ करती है। और ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है कि जिस ये ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा कमांड देता है ECU को कि जिस भी टायर का RPM ज़्यादा है उस पर वो ब्रेक अप्लाई करवाता है, जिससे कि गाड़ी कंट्रोल में आए, और वो इंजन को भी कमांड देता है कि उस पर ज़्यादा पावर ना दे वो। ये मेन बेनिफिट होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का। ये आपने अक्सर देखा होगा, जैसे स्लिपरी रोड हो गई या मान लीजिए कहीं पे बजरी वगैरह पड़ी हुई है, वहाँ पे हमारा ये बहुत काम आता है, जैसे कि स्लिप होने से बचाता है ये। बेसिकली ये एक रोड पर ग्रिपिंग बना के चलता है, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है स्लिप नहीं होती और वो ग्रिप बना के चलती है बिल्कुल अच्छे से। मेन फंक्शन इसका यही होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TCS बोलते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।